हेलो एवरीवन, वेलकम टू होप एंड लर्न। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जो फाइनेस्ट ऑफ एमसीक्यूज हैं करंट अफेयर्स के झारखंड के अंदर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक महीना का दो भाग आएगा, पार्ट वन और पार्ट टू। जिन लोगों ने एमसीक्यूज को पहले से देखा है, पढ़ा है करंट अफेयर्स को, वो लोग इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और जो लोग पहली बार करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, वो लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। बहुत ब्रीफ में समझाया गया है इसे, बहुत डिटेल में समझाया गया है। एंड दिस सीरीज विल कंटिन्यू टिल द एग्जामिनेशन डेट्स आर अनाउंस्ड। सो लेट्स स्टार्ट। दो सौ नब्बे करोड़ का एक मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है वो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में ओपन हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो 12 सितंबर का जो डेट है ना, 12 सितंबर 2019, ये डेट आपको याद रखना है, क्योंकि इस डेट को नरेंद्र मोदी ने झारखंड आए थे और बहुत सारे स्कीम्स को, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया था। तो ये डेट आपको भूलना नहीं है, 12 सितंबर 2019। आपको लगभग हर क्वेश्चन में ये डेट दिखेगा। तो देखिए, एक्चुअली एक हमारे देश में कनेक्टिविटी के लिए हाईवेज है, रोडवेज है, यू नो, इनफैक्ट आपके रेलवेज है, लेकिन वाटरवेज कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास टर्मिनल्स नहीं है। तो इसीलिए इसको ध्यान रखते हुए 290 करोड़ का एक मल्टी मॉडल टर्मिनल को उद्घाटन किया गया है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल खुल रहा है, जो पहला खुला था, जो फर्स्ट खुला था, वो खुला था वाराणसी के अंदर 2018 में। तो ये दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल खुल रहा है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि जो ग्लोबल लेवल पे आपका जो झारखंड और बिहार की जो पहचान है, जो छवि है, उसको इंप्रूव करेगा और कार्गो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा इंडिया को किस देश के साथ। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि इंडिया किस देश के साथ इस मल्टी मॉडल टर्मिनल के तहत एक कनेक्टिविटी स्टार्ट करेगा। तो ये करेगा नेपाल के साथ, तो आइए इसमें और कौन कौन सी बातें हैं वो हम लोग जान लेते हैं कि ये इंडिया का सेकंड है। देखिए, जो जो रेड मार्क जो हाईलाइटेड है ना, वो सब आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इन क्वेश्चंस के साथ साथ ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद करने हैं, क्योंकि इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये इंडिया का सेकंड मल्टी मॉडल टर्मिनल हो गया और ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनाया जा रहा है, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनाया जा रहा है। इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है 290 करोड़, ठीक है, 290 करोड़। और ये जो बन रहा है, ये गंगा नदी के किनारे बन रहा है विद द हेल्प ऑफ जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, ठीक है ना, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। 2018 के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल जो इनॉग्रेट किया गया था, वो किया गया था बनारस के अंदर, यूपी में। और इस कार्गो की जो कैपेसिटी होगी वो 3 मिलियन टन होगी पर ईयर। स्टॉकयार्ड भी होगा, पार्किंग भी होगा और बर्थिंग स्पेस भी होगा वेसल्स को रखने के लिए। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा डील करेगा। जो डोमेस्टिक कोल्स होंगे, जो राजमहल एरिया है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां से वो जो डोमेस्टिक कोल होते हैं उसको वो उठा करके जो डिफरेंट थर्मल पावर स्टेशन है वहां पे वो लेके पहुंचाएगा। जो रूट होगा वो होगा नेशनल वाटरवे 1। तो ये सारी बातें हो गई आपकी सेकेंड मल्टी मॉडल टर्मिनल विच इज गोइंग टू बी स्टार्टेड इन साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। From which place in Jharkhand did PM Narendra Modi launch Kisan Mandhan Yojana on 12 September 2019? तो कौन से जगह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान मानधन योजना को स्टार्ट किया है? तो ये किया है रांची के अंदर। तो इसमें क्या होगा कि जो भी किसान है 18 to 40 years of age, इस एज ग्रुप के जो भी किसान है, उनको ये बेनिफिट्स मिलेगा कि जब वो 60 साल के इयर्स को अटेंड कर लेते हैं तो उनको 3000 रुपीस पर मंथ के रूप यहां पे दे सकते हैं। ऐसे फार्मर्स जो कि 18 से 40 इयर्स ऑफ एज के होंगे, उनको 3000 मंथली पेंशन मिलेगा व्हेन दे अटेन द एज ऑफ 60। तो वो जो भी नियरेस्ट सीएससी केंद्र जाएंगे वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और 60 साल की जब आयु हो जाएगी तो उन्हें 3000 मंथली पेंशन के रूप में मिलेगी। नेक्स्ट, What cost India's first paperless legislative assembly was inaugurated by PM Modi in Jharkhand's capital Ranchi on 12 September 2019? तो आपको ये डेट 12 सितंबर 2019, ये डेट आपको याद रखना है, क्योंकि इसी दिन
नरेंद्र मोदी झारखंड आए थे और बहुत सारे मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट का उन्होंने नींव रखी थी। तो झारखंड में फर्स्ट पेपरलेस, इसका मतलब हुआ कि फुल्ली डिजिटल लेजिस्लेटिव असेंबली, इन्होंने इसकी नींव रखी थी, उद्घाटन किया था। तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली आया है उसकी लागत क्या थी बनने में, तो 465 करोड़, ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर, 465 करोड़ इसकी कुल जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो लगी थी इसको बनाने में। तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो फाउंडेशन था वो पहली बार रघुवर दास ने 12 जून 2015 को किया था, ये डेट भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो फर्स्ट उसकी जो फाउंडेशन स्टोन रखी थी वो रघुवर दास ने रखी थी। कब रखी थी? 12 जून 2015 को। और ये 3-story बिल्डिंग होगा और 39 एकर्स ऑफ लैंड में ये बना है, ठीक है ना। कहां बना है? कूट ग्रामीण रांची। और टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 15%, टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 15% जो है वो आपको सौर ऊर्जा से मिलेगी, सोलर एनर्जी से, जो भी आपके सोलर पैनल्स होंगे वहां से 15% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आएगी। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। आउट ऑफ 462 एकलव्य स्कूल्स, हाउ मेनी एकलव्य स्कूल्स फॉर ट्राइबल्स इन झारखंड हैज बीन इनॉग्रेटेड बाई पीएम मोदी ऑन 12 सितंबर 2019। सो अगेन दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द सेम डेट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो टोटल इंडिया में 462 एकलव्य स्कूल्स बनने जा रहे हैं। तो आउट ऑफ दिस 462 स्कूल्स कितने स्कूल्स झारखंड में बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो बनेंगे 69, कितने बनेंगे 69। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नवोदय स्कूल्स, उनकी तर्ज पर ये स्कूल्स को बना रहे हैं एकलव्य स्कूल्स, और इसकी जो संख्या होगी झारखंड के अंदर वो 69 होगी। एंड द रेसिडेंशियल स्कूल हैव 450 ट्राइबल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 12। तो अराउंड 10,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, और झारखंड के साथ साथ इसमें उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न और अदर स्टेट्स भी होंगे। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड ए पेंशन स्कीम फॉर व्यापारी, शॉपकीपर्स एंड रिटेल ट्रेडर्स। तो देखिए, एक स्कीम लॉन्च की गई है, उस स्कीम का नाम है नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है ना। इस स्कीम के तहत सेम चीज जो आपका प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत क्या हो रहा था, आपको 18 से 40 के बीच में 3000 मिल रहा था 60 ईयर्स अटेन करने के बाद, बिल्कुल सेम चीज, ये तीनों सेम चीज आपको यहां पे भी ध्यान रखना है, बिल्कुल सेम चीज यहां पे इंट्रोड्यूस हुआ है। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि ये स्कीम को लॉन्च किस मिनिस्ट्री ने किया है। तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है ना। ये मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसके भी अंदर ऐसे ट्रेडर्स, ऐसे व्यापारी जो 18 से 40 ईयर्स के बीच में होंगे उन्हें बेनिफिट्स मिलेगा, मंथली पेंशन 3000 के रूप में। कब मिलेगा? जब वो 60 साल की एज अटेन कर लेते हैं। तो देखिए, दोनों का पर्पस डिफरेंट है, ठीक है ना, लेकिन बेनिफिट्स क्या है, सेम। वहां पे किसानों के लिए मिल रहा था, लेकिन यहां पे मिलेगा ट्रेडर्स के लिए, छोटे व्यापारी के लिए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो भी ऐसे शॉपकीपर्स होंगे और ट्रेडर्स होंगे, ठीक है, उनकी एनुअल टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 1.5 करोड़, ठीक है, ये ध्यान में रखनी है। और जितना कंट्रीब्यूशन आपका ट्रेडर्स का होगा, ठीक है ना, इस पेंशन में, उतना ही कंट्रीब्यूशन आपका गवर्नमेंट का होगा। मतलब कि मान लीजिए कि 70 रुपीज अगर ट्रेडर आपका इस पेंशन जो स्कीम है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो 70 रुपीज आपके गवर्नमेंट की तरफ से भी आएंगे, ठीक है ना। तो टोटल बन जाएंगे उनको 140 रुपीज जो कि इन व्यापारियों को मिलेगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। सो लास्ट, विथ व्हाट अमाउंट द न्यू बिल्डिंग ऑफ सचिवालय विल कम अप इन झारखंड कैपिटल रांची। तो जो न्यू सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग बनने जा रहा है आपका, ठीक है ना, न्यू सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग आपका बनने जा रहा है, उसकी जो टोटल लागत है वो कितनी है। तो देखिए, झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, आपको ध्यान होगा कि ये जो विधानसभा आपका बना है, ठीक है, वो 465 करोड़ इतने रुपीस का इसकी लागत लगी है झारखंड विधानसभा बनने के लिए, झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए। लेकिन जो सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है ना, इसमें टोटल 32 डिपार्टमेंट होगा, 2 ब्लॉक होंगे उसमें, ठीक है। तो विथ ए वूफिंग ऑफ 1238 करोड़,
1238 करोड़ की लागत से ये सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग बनने जा रहा है, ठीक है ना। तो आप सोच सकते हो ये कितना मैसिव प्रोजेक्ट है। तो ये सारे करंट अफेयर्स हो गए। आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं कि इसमें बातें क्या कही गई थी। तो जो भी आपका एक मल्टी मॉडल टर्मिनल खुलने जा रहा है, ये इंडिया का सेकंड मल्टी मॉडल टर्मिनल होगा। ये खुलने जा रहा है साइबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर और ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा इंडिया को नेपाल के साथ। झारखंड में जो 12 सितंबर 2019 को नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने किसानों के लिए एक स्कीम लॉन्च की थी, उसका नाम था प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये स्कीम केवल झारखंड लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे सेंट्रल लेवल पे है, ठीक है ना, पूरे सेंट्रल लेवल पे है। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था रांची से, झारखंड की कैपिटल रांची से। तीसरा, विधानसभा बनने के लिए जो नया विधानसभा है उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है बनने के लिए, ठीक है ना, तो वो है 465 करोड़। चौथा, पूरे इंडिया में 462 एकलव्य स्कूल्स खुल रहे हैं नवोदय स्कूल्स के तर्ज पे, तो उसमें झारखंड में टोटल कितने स्कूल्स होंगे वैसे नवोदय एकलव्य स्कूल्स, तो वो होंगे 69। और कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिन्होंने छोटे व्यापारियों के लिए, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस के लिए एक पेंशन स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस रादर। तो ये जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और आखिरी है, जो सचिवालय बिल्डिंग नया बन रहा है उसकी क्या लागत है, तो वो है 1238 करोड़, ठीक है ना, 1238 करोड़। तो ये वीडियो अगर आपको कहीं से भी बेनिफिट किया है, देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।